वेलकम टू 365 डे गुजरात टाइल्स एग्जीबिशन। वेलकम सर और एग्जीबिशन। नमस्ते जी। जी सर, जी सर, आप कहाँ से हैं? आपका एक बेसिक इंट्रो दीजिए हमें। मेरा नाम विशाल कंसारा है, मैं मुंबई से हूँ। जी सर। और यहाँ गुजरात विजिट पे आया था, तो मोरबी पहले एक दो बार आ चुका हूँ। जी जी। बट ये विजिट करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला था, तो अभी जानने को मिला जहाँ पे मैं रुका हूँ। जी सर। वहीं से मुझे पता चला कि अभी 365 डेज एक एग्जीबिशन शुरू हुआ है। हाँ जी। तो और हमारा जो कामकाज है वो अभी छोटे लेवल पे है, लेकिन उसे हम एक्सपांड करने का सोच रहे। एक छोटा सा हमारे लोग है, फैमिली का है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है इतने सालों का। जी। लेकिन जो एक एवरीथिंग अंडर वन रूफ चाहिए, तो आप मोरबी में आओगे तो आपके 10 दिन भी कम पड़ते, इतनी फैक्ट्रियां है। राइट। लेकिन कुछ चीज़ है जो फिजिकल टच चाहिए आपको, ये है वो आपको एवरीथिंग अंडर वन रूफ यू गेट एट दिस पॉइंट। राइट। जो एग्जीबिशन होता है उसमें पर्सनल टच भी मिलता है, फील भी मिलता है, और आपको जो चाहिए वो मिलता है। राइट राइट सर। एक ये अपना एग्जीबिशन है। हाँ। ये आपको कहाँ से पता चला था? ये जो लकीली मैं वही बोला ना, होटल्स भी ढूंढ रहा था। राइट। तो फिर से मैं 1 किलोमीटर आगे रुक गया था, फिर वापस गया, होटल ऑनेस्ट पे था। जी। हाँ, तो ऑनेस्ट तो मैंने बहुत देखा, उसके अहमदाबाद यहाँ वहाँ खाना खाया, तो घूम फिर के होटल भी वहीं की मिली, तो वहाँ पे खाना भी है, स्टे भी वहीं पे हुआ, तो उसी के बाहर मेरा ध्यान नहीं गया। राइट। फिर दूसरे किसी ने बोला कि एग्जीबिशन का यहीं पे बैनर लगा हुआ है। जी। तो मैंने नीचे पढ़ा, फ्री कैब सर्विस, और 3 अलग अलग बार कोड भी था। जी बिल्कुल। 1 बार कोड फॉर रजिस्ट्रेशन, 1 बार कोड फॉर द ऐप, एंड 1 बार कोड फॉर समथिंग एल्स। राइट 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 राइट। मैं इम्प्रेस हुआ कि अभी अच्छा है। राइट। ओके ठीक है सर। तो अभी आपने यहाँ एग्जीबिशन हमारा जो है, हाँ? इसका पूरा विजिट किया आपने। हाँ जी। तो आपको कैसा लगा, मतलब एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस? इसका तो एक्सपीरियंस मैं वही बोलूँ ना कि अगर आप 10 दिन 20 दिन भी रुक जाओ, आप कितनी फैक्ट्री विजिट कर लोगे। जी सर। मोरबी में चाहिए उतना कम है, आप कर भी लो, आप प्राइस डीलिंग करो, 1000 फैक्ट्री है, हजारों से बात कर लो, आपको जिसके साथ जम जाए वो बेस्ट है। लेकिन एक पर्सनल टच तो चाहिए, क्योंकि एक फ्लोरिंग चाहिए, उसका क्या है टच, किसका अच्छा है, किसका शाइन है, ग्लॉस है कितनी। जैसे एक कंपनी है वहाँ पे वो 10+ सर्फेसेज नाम दिया है, तो उन्होंने बताया कि 16 सर्फेसेज हमारे पास है। सबके पास कुछ और रहता है, किसी का वो सिंगल टच है, वो डबल टच है, उसको GVT है, पोर्सिलिन है, स्टैंडर्ड है। जी जी। तो जिसे जो भी रिक्वायरमेंट है, हर कस्टमर के लिए यहाँ पे आपको एवरीथिंग अंडर वन रूफ चाहिए। आज कस्टमर को वही चाहिए, कम टाइम में मेरा ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मैं स्पेशली यहाँ दूर दूर से आ रहा हूँ, तो मुझे एक ही जगह पे सब सुविधा मिल जाए। और यहाँ पे जितनी कंपनी के फिजिकल प्रेजेंस है, बाकी डिजिटल प्रेजेंस तो आपको ये GTI के ऐप पे सभी है, मोरबी की जितनी फैक्ट्री है जो ग्लोबल है मोरबी का नाम, वो सारे के डिजिटल डेटा आपको ऐप से मिल ही रहे हैं। बिल्कुल। और वही चीज यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है GST नंबर से लेके, तो वही फैक्ट्री वालों के पास हमारे कस्टमर्स के भी डेटा है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन का काम किया, एक मीडियम दिया है उन लोगों को भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मोरबी और गुजरात का नाम आगे बढ़ा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। राइट। और इस चीज को जो कस्टमर जो ढूंढ रहा है कहीं दर दर भटक के, उसको एक ही जगह पे मिल रहा है, तो एनर्जी और टाइम हर सेव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है आपकी, कि ये सिंपल से कि आपको इजीली हो गया सर। एग्जैक्टली। राइट। और दूसरी चीज सर, ये आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, बट मैं एक ये चीज भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पूरा एक्सपीरियंस किए, तो आप में ऐसा कुछ कमी महसूस हुआ जो हम इम्प्रूवमेंट कर पाए इस एग्जीबिशन में, आपको कुछ ऐसा लगा? एक ही पॉइंट, जैसे मैं बोला हूँ, सुबह लगभग कितना बज रहा है अभी? हाँ, तो मैं देखा हूँगा, हाँ 3:30 बज गए। राइट राइट। और सुबह हम लोग का लगभग 9:30-10 बजे से रजिस्ट्रेशन हुआ था। राइट। तो आधा एक घंटा तो ऐप में डालना रजिस्ट्रेशन, वो अच्छा प्रोसेस था, फिर गए एक एक स्टॉल जा रहे। जी जी। तो पानी मिल रहा है, लेकिन अगर आप फूड का भी कुछ कर दो, जिसके लिए गुजरात के लोग तो आते ही है। राइट। तो क्योंकि 3:30 बज गया, 6 घंटे से मैं यहीं पर हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब हाँ, मुझे खाने का वो हो रहा है। बिल्कुल। और बिल्कुल, लोग जरा सा बाहर जाएंगे 1 घंटे के लिए, फिर वो मूड होता है चलो यार छोड़ो। तो आप छोटा मोटा भी कुछ यहाँ का लोकल ऐसे अवेलेबल करा दो, जो ताकि दिन निकल जाए। आई नो। जी बिल्कुल। आपने जो बात किया ना, वो जस्ट यस्टरडे मैंने एक कंपनी को बुलाया है, उसका मेनू भी अभी मेरे पास पड़ा है। क्या बात। और वो मैं अभी आपको तुरंत दिखाता हूँ, वो विदिन 2 डेज वहाँ यहाँ पे उसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और विदिन वीक यहाँ पे फूड हो जाएगा। Exactly. नहीं, मतलब ये एज अ नेगेटिव या क्रिटिसिज्म नहीं, 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 वो कुछ कमियां होती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। मेरा जानने का यही है। और आज मुझे हुआ कि 6 घंटा हुआ तो यार भूख लगी है। एक्चुअली क्या होता है सर, रियलिटी हर पूरे वर्ल्ड में यही है कि मेरी कमी मुझे कभी नहीं दिखेगी।
हाँ, वो मुझे सामने वाला बताएगा तो मुझे पता चलेगा। हाँ, और एक का होता है सिर्फ कमियां ढूंढना, लेकिन कमी करके इम्प्रूव क्या, इसको और बेस्ट अलग लेवल पे क्या लेगा, यही रीजन है कि आप बताओ तो वही चीज हम इम्प्रूव करेंगे। हाँ, करेंगे तो आपके बाद आने वाला कोई भी कस्टमर है तो उसको ये चीज सेम फील नहीं। एग्जैक्टली, तो वो 9 से 2 बजे तक देखेगा, आधा घंटा कहीं खा पी लेगा यहीं पर आसपास, और फिर से वो 6 बजे तक देख पाएगा। तो यहाँ सर्विस दे रहे, अभी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो सर्विस में फूड आपको जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आपको बाहर भी नहीं आना। Okay. इसके रिगार्डिंग आप किसी भी स्टॉल में वो फूड का वहीं से ऑर्डर कर सकते हो, वो फूड वहीं पे आ जाएगा आराम से। हाँ, exactly. जैसे तो रेलवे में होता है कहीं का भी के आपको कहीं पे भी सर्विस मिलेगी, मतलब उसके लिए आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और आपको आसानी से जहाँ पहुंचे हो वहाँ फूड लिया वापस वहीं से स्टार्ट कर पाओ। ओके, ये हम अभी फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन वीक आपको ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। और 365 डेज का कंसेप्ट ही मैं पहले वो देखा कि अरे यार सही है, 365 डेज हो तो कस्टमर, मैं जैसे आ गया था मुझे पता ही नहीं था, लेकिन लकीली वही होटल में रुकना पड़ा, वही आपका मार्केटिंग का बैनर भी लगा हुआ था तो उसका ब्रांडिंग हो रहा है, तो कस्टमर किसी भी टाइम पे कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर विदेश से लोग कहीं भी आ सकते हैं। मेन 365 डे रखने का दो रीजन, एक तो कस्टमर अपने टाइम पे जब वो फ्री है तब वो आ पाएगा। Exactly. वैसा फिक्स नहीं है कि ये 3 दिन में 4 दिन में आना है। हाँ, जनरली एग्जीबिशन होते हैं तो 3 या 4 दिन या 5 दिन के होते मैक्सिमम। Exactly, तो हमें वो 5 दिन में विजिट करना जरूरी बन जाता। तो यहाँ पे 365 डे रखने का एक रीजन है कि कस्टमर अपने टाइम पे आ। दूसरा ये रीजन है कि हर कस्टमर साल में एक बार मोर भी आता है। मेनली क्या हुआ तो वो 365 डे है तो हर कस्टमर एक बार ये एग्जीबिशन की विजिट करेगा करेगा। तो यहाँ दोनों तरफ बेनिफिट्स है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वन ईयर यानी कि 365 बैठने से हर कस्टमर से एक बार मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, उसको अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट कर पाएगी दोनों साइड से। Exactly. कस्टमर को भी अपने टाइम पे आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी सेम बेनिफिट्स Yes. है कि वो भी पूरे ईयर में हर मैक्सिमम 80% प्लस कस्टमर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। Yes. इंडिया में। हाँ, अपने मोर भी, तो वो सबको एक बार अपनी प्रोडक्ट देख पाए, पर्सनली मिल पाए, आराम से प्रोडक्ट से नॉलेज ले पाए, एक रिलेशन मेंटेन होगा दोनों का। अच्छा, तो ये चीज धीरे धीरे उसको आगे ले जा सकती है। हाँ, तो मेनली इसी रिगार्डिंग हमने 365 डे एग्जीबिशन रखा है। और बाकी इसके अलावा आप कोई और इम्प्रूवमेंट लगा है तो बताइए। इम्प्रूवमेंट तो नहीं, पर मैं यही बोलता हूँ कि जैसे हमारा तो मुंबई की बात है तो बोलते सिटी दैट नेवर स्लीप्स, सोता ही नहीं है, तो लोकल ट्रेन भी मुश्किल से वो मेंटेनेंस के लिए 1-2 घंटे रुकती है, तो वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता। पर एक अच्छा है कि आप पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी फ्री कैब सर्विस दे रहे हैं, तो अगर भविष्य में डाउन द लाइन 5 इयर्स अगर डिमांड ऐसी आती है, कोई कस्टमर विदेश से आ रहा है उसका जेट लैग जो होता है, अगर उसको नाइट का भी टाइम स्लॉट हो रहा है तो आप शायद हो सके तो 9 to 3 वाला कर लो, फिर 3 to 9 कर लो, तो 2 शिफ्ट में अगर आपके ये स्टाफ वालों को कर सको तो मैं बोल रहा हूँ विदेश से आने वाले लोगों को भी शायद भविष्य में हो सकता है। जनरली अभी भी यहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्री से हर महीने में 15 से 20 कस्टमर आ रहे हैं। हाँ, अभी भी। हाँ, फिलहाल जो लास्ट महीने गए उसी में सब कस्टमर आते, तो यहाँ आने के बाद वो होटल में स्टे करते। हाँ, तो सुबह मॉर्निंग से ही वो काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पर जो अचानक आते हैं 2 दिन के लिए, अभी US से आया, जैसे अपने भी हमारे भारतीय देसी लोग आते हैं NRI, तो 2-3 दिन तो डे नाइट एडजस्ट करने में हो जाता है। हाँ, तो हमारे मुंबई में कैसा है, 24 आवर्स 5-स्टार होटल्स है, तो दुकान कैसा, अभी डिजिटल ऐसा हो गया है तो उसको रात को भी कुछ करना है 6 बजे के बाद वाला, क्योंकि वहां पे दिन होता है अमेरिका में, यहाँ के 6 बजे के बाद, तो अगर रात को भी उसको विजिट करना है तो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी आपने बहुत अच्छा टाइम से, अब फ्यूचर में अगर ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है तो 9 to 3 एक शिफ्ट में लोग काम करें, 3 to 4 to 6 4 to 9 या 4 to 10 जैसा, इवन दे कैन दैट टाइम विल बी कंपैटिबल टू देम। और यहाँ पे भी है, तो जो 1 या 2 ही दिन में विजिट करके पहले यहाँ पे आ जाए, फिर उसमें से जिसे पसंद आए तो सेकेंड डे विजिट कर सके फैक्ट्री और सीधा वो अपना काम पे निकल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये जो सजेशन है, अगर नहीं सही बात है, सबको कंपैटिबल हो, ये आपका जो सजेशन है एक लेवल पे जब हम पहुंच जाते हैं तो वो लेवल पे इंटरनेशनल बायर का अगर फ्लो बढ़ता है तो ये फैसिलिटी हमें अवेलेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टाइम अपने से 5-6 घंटे अलग, हर कंट्री का 12 घंटे बाद का है, तो 2 घंटे जो 2 दिन एडजस्ट करने में जाता है वो 2 दिन में अगर उसको वही टाइम में मिल जाए वही यूटिलाइज करके वो वापस जाएगा और खुश होके जाएगा। बिल्कुल, भारत
इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है। राइट, नहीं आपका सजेशन बहुत ही अच्छा है ये। ये मैं मुंबई में रह चुका हूँ तो हमें हर चीज रात को भी मिलती है, सुबह भी मिलती है, 24 आवर्स हमें सर्विस मिलती है। और ये सर्विस इंडस्ट्री अगर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। तो पहले दिन उसके टाइम से वो ये देख लेगा, सेकंड डे जब भी फैक्ट्री खुली होगी वो फैक्ट्री विजिट कर सकता है। बिल्कुल, नहीं नहीं सही बात है आपका, ये चीज एक लेवल पे जरूर करनी पड़ेगी। हाँ, हमें भी आज नहीं तो भविष्य में, हम भारत की 5th से 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो हमें ग्लोबल का पूरा सोचना ही पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम है तो नहीं, अच्छा है प्रधानमंत्री जी भी प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा है पूरा देश का वो है। बिल्कुल, और वही मुझे अच्छा भी लगा कि जो अपना भारत का देसी कल्चरल जो टाइल्स का डिजाइनिंग का आर्ट वर्क होता है, धौलपुरी टाइल्स है, कुछ और हो गया जो बार मिट्टी का लगाते हैं वो उसको पार्टीशन के रूप में हम करते हैं, बहुत सारी इन्वेंटिव इन्वेंटिव डिजाइंस है, कॉन्सेप्ट्स है। तो मैंने लिखा भी आपके इसमें अपना गूगल इस पे, हाँ प्ले स्टोर पे, और उससे कि एक तरफ अपना ट्रेडिशनल कल्चरल भारत डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट्स है और एक तरफ उसी को सबको डेटा और ये सबको सिंक करके डिजिटल भारत भी है। जी, तो ट्रेडिशनल से लेकर डिजिटल भारत का कॉम्बिनेशन जो हो रहा है जी, ये बहुत ही अलग है। आप इस फील्ड में हो तो आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, मैं किसी और फील्ड में हूँ तो मैं उस चीज को कर सकता हूँ। सभी करेंगे तभी तो इंडिया वही है। Right, आपके पास इतना मैन पावर और ये सब है तो आप उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, ये कोशिश आपकी exactly. जरूर हम करेंगे। कोई बात अच्छी बात है सर, आपने बहुत टाइम दिया हमें, इस टाइम के लिए आपको थैंक यू। नमस्ते, नाइस टू मीट यू सर, थैंक्स। सेम यार, सेम। ओके, थैंक यू सर।